हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग लेके आई हूँ। डिलीवरी के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, ना कोई वीडियो शूट की, तो मुझे लगा चैनल पे वापस से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं डाल पा रही, ना मुझे टाइम मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बना के डाल दिया जाए। ये व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लेकिन डालने का टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए, सुबह के 10 बजे हैं और सब काम बिखरा पड़ा है, और ये उठ गई थी तो मैंने नाश्ता तो बना लिया था, लेकिन अभी इसको देखना है। बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी वीडियो शूट करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, इवन कैमरा तक लगाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और अंश तो उल्टा मोबाइल देता ही नहीं है मुझे। अभी ये सो रहा है तो मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा लगाया था, और हाथ में लेके मेरे से व्लॉग बनता नहीं है, तो इसलिए मैं हाथ में मोबाइल लेके नहीं बनाती हूँ। ये रोने लग गई थी तो मैं इसको वापस गोद में लेके सुलाने के लिए आई कि चलो अगर ये सो जाएगी तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। मेड आ गई है, जब तक वो अपना काम करेगी, बर्तन वगैरह करेगी, तब तक ये सो जाएगी। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, लेकिन सो जाएगी। बच्चे जैसे बड़े होते हैं, 6 मंथ जैसे जैसे कंप्लीट होने लगता है, तो उनको पैम्पर चाहिए कि हाँ मेरे पास बैठो, बातें करो, या फिर मुझे लेके घुमाओ। इतना समझने लग जाते हैं बहुत अच्छे से। ये देखो, अभी इसका ध्यान बिल्कुल मोबाइल पे है, उसको ध्यान नहीं हटाना है बिल्कुल भी, और इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये सोने वाली है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखो सोएगी तो थोड़ी देर, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कैमरा में लगा के एक साइड में छोड़ देती हूँ, तब तक इसको सुलाने की कोशिश करूँगी। आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तो मैं इसको मेडिसिन दे के सुलाने की कोशिश करूँगी। मौसम ऐसा चल रहा है, बच्चों की तबीयत अक्सर ख़राब हो रही है, खांसी आ रही है, सर्दी आ रही है, फीवर भी आ रहे हैं, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए। हल्का सा बुखार होते ही या फिर कुछ भी होते ही मेडिसिन ज़रूर दीजिए। तो मैं भी इसको मेडिसिन देती हूँ। ये मेडिसिन लेने के बाद तो ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं इसको क्या दे दिया, बहुत गुस्सा आता है, कड़वी लगती है। देखिए कितना क्यूट सा फेस बना रही है। अब काफ़ी देर रोएगी, तो इससे अच्छा मैं इसको घुमा के थोड़ा सा रिलैक्स करूँ और ये सो जाए। काफ़ी देर के बाद अब ये सो गई है, तो देखो आधा घंटा सोती है, 1 घंटा सोती है, डिपेंड करता है। बच्चों की नींद बहुत कच्ची होती है, गहरी नींद में तो रात को ही सोती है, दिन में बहुत कम, क्योंकि अंश भी आवाज़ करता रहता है तो ये उठ जाती है। तो इसके पास कपड़े रखती है तो आधा पौना घंटा आराम से सो जाती है। इसको लगेगा कि मम्मी इसके पास बैठी है, ऐसे लगा देती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। अब ये सोई है, तब तक मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले तो चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेड भी आई हुई है, उसको भी देना है और मुझे भी चाय पीनी है, तो दोनों के लिए ये टाइम पे चाय बना लेती हूँ। अगर अंश उठा है तो उसको भी देख लेती हूँ, उसको भी चाय बनेगी। ये उठा हुआ है और अब मुझे ये सब क्लीन करना है, इसको उठा के फिर इसका नाश्ता रेडी करना है। आधा पौने घंटे में बस यही सब काम हो जाते हैं। मैं सुबह नहा लेती हूँ, इसलिए फिर दिक्कत नहीं होती है कि बाद में टाइम मिले ना मिले, तो ये सब चलता रहता है। अब अंश के लिए नाश्ता बनाना है, नाश्ता बोलो, लंच बोलो, क्योंकि 12:30 का टाइम हो गया है,
तो लंच ही है, उसके बाद ये 5 o'clock के आसपास लेगा नाश्ता, वो भी उठ गई है। तो तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ, छोटा मोटा काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद उसको नहलाना है। इसको नहला के सुलाने के बाद अगर ये सो जाती है तो मैं अपना सीविंग वगैरह का काम शुरू कर देती हूँ, नहीं तो फिर इसको ही रखना पड़ता है क्योंकि आंश उसको नहीं दिख पाता है, तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। मैं मोबाइल लगाना भूल गई, अंश के हाथ में मोबाइल था तो लगाना ही भूल गई। मैंने इसको नहला दिया मालिश करके और ये रेडी हो गई है अभी। कितनी खुश लग रही है, बच्चे नहाने के बाद कितने खुश होते हैं, और वो कंटिन्यूस कैमरे की तरफ देखे जा रही है, मोबाइल की तरफ देखी जा रही है कि उसको कब मिलेगा, या उसमें खुद को देख रही है, वो बहुत खुश हो रही है, बार बार उसी को देख रही है, इतनी एक्साइटेड है कि इसमें खुद की शक्ल देख के हंसी जा रही है। तो ये मेरी डेली एक्टिविटी होती है, नॉर्मली डेली रूटीन जो होता है सेम होता है, जो मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो डेली वही सेम एक्टिविटीज रहती है, वही काम रहता है, जो डेली रूटीन रहता है हमारा वही सब रहता है। कुछ एक आधा अलग आता है जिस दिन हफ्ते में 2-3 बार कुछ न्यू हो गया, डेली तो न्यू किसी की लाइफ में नहीं हो पाते क्योंकि रेगुलर रूटीन तो काम तो वही रहेंगे, वही कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इसलिए मुझे डेली व्लॉग बनाने में ऐसा लगता है कि क्या हम नया दिखाएं क्या नहीं दिखाएं तो समझ नहीं आता है, इसलिए कभी कभार व्लॉग बनाना, अपनी लाइफ दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं, ये देखो कितनी खुश है खुद को देख के। अब मैं इसको झूले में लेटाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको झूले में रखती हूँ, मुझे काम करना होता है इसलिए मैंने इसको हैबिट लगा दी है झूले में लेटने की, और अगर मैं सोफे पे या बेड पे रखती तो अंश भी इसको परेशान करता है, आँख में उंगली मार देते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैं इसको झूले में प्रेफर करती हूँ। बच्चे को झूले में रखेंगे तो गोदी की आदत कम लगती है, बट अभी 6 मंथ है, देखो आगे लग भी जाए इसका कुछ नहीं है। और ये झूले में खेल रही थी अपने खिलौने के साथ, तब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ और जब ये सो गई तो मैं सेविंग कर लूँगी अगर बीच में टाइम मिलेगा तो। इतना ही टाइम मिल पाता है, अब लॉकडाउन में सब क्लासेस बंद हो गई हैं, ट्यूशन क्लासेस जो थी वो सब बंद हो गई थी, और जॉब भी लोगों के पास नहीं है, कोरोना ने ऐसी बुरी हालत कर दी है, तो मैंने 3 मंथ्स के बाद ही सेविंग वापस से स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही 3 मंथ्स हुए इसको मैंने धीरे धीरे सेविंग स्टार्ट कर दिया था। बहुत लोग बोलते हैं कि सीजेरियन में बाद में कितने टाइम के बाद हम काम अच्छे से शुरू करें, जब आपको कम्फर्टेबल हो तब आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। तो मैंने तो 3 मंथ्स में ही स्टार्ट कर दिया था, मैं अच्छे से बैठ पा रही थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो ये सब काम मैं अपने कर लेती हूँ, और अभी काम भी कम है तो उतना बर्डन नहीं था। इसने रोना वापस से शुरू कर दिया, तो चलो इसको मैं सुलाने की कोशिश करूँगी अभी, अगर ये सोएगी तो अच्छा है। बस इतना ही बच्चे टाइम दे पाते हैं कि हम अपना बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट अपना काम करें, क्योंकि उसके बाद इनको सुहाता नहीं है कि मम्मी काम में लग गई है। ये देखो कितना गुस्सा इसको आ रहा है, लात मारी जा रही है। चलो अभी मैं इसको उठा के सुला देती हूँ, वरना ये ऐसे ही परेशान करती रहेगी। ये देखो गोद में आके बिल्कुल शांत है, चुपचाप है, इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से,
बस इसको खजाना मिल जाता है मम्मी की गोद में आके, तो अभी अपने भैया के साथ खेलेगी या सोएगी, देखते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करेगी तो ठीक है। वो अपने मोबाइल गेम में लगा हुआ है और इसको भी अभी मोबाइल दिख रहा है। सब कुछ नया नया दिखता है, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है, तो सब छीनने की कोशिश। ये देखो, चलो थोड़ी देर इसको खेलने देते हैं, फिर उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। ये सो जाएगी तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, वरना पूरा दिन इसको गोद में लेके ऐसे घूमना फिर काम करना, रोए तो भी अच्छा नहीं लगता है कि उनको लेटा दे तो रोने लग जाते हैं। बेटर है कि वो थोड़ा सोए, जितना ज़्यादा बच्चे सोते अच्छा रहता है। दिन में 2 से 3 बार ही सो जाती है तो अच्छा है, रुक रुक के सोती है लेकिन बहुत अच्छा है। ये देखो, ध्यान इसका कैमरे पे और कहीं नहीं है, मोबाइल का जो कैमरा है वो की तरफ है, तो इसका ध्यान वहीं पर है। नींद आ गई है इसको, चलिए मैं इसको सुला देती हूँ। शाम के 5 बज गए हैं। शाम के 5 बजे का मेरा रूटीन रहता है चाय बनाने का, अंश को नाश्ता देना, खुद करना, और ये भी साथ में ही उठ जाती है तो इसका भी दूध बनाना होता है, तो हाथ में पकड़ के बनाना मुश्किल हो जाता है। ये रोना शुरू कर देती है, पहले भी बना के रख लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ये इतनी देर रुकती नहीं है। बच्चों को ये रहता है कि मम्मी कहाँ है, तो मुझे इस तरह से पकड़ के इसको रखना होता है। ये देखो कितना ध्यान से सब सीख रही है, जैसे वही कर रही है सब कुछ। तो आज का व्लॉग सिर्फ यहीं तक, आपसे फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बाय।